दोस्तों एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 यूं ही नहीं कहते, उन्होंने आज भी कुछ ऐसा ही कमाल कर दिया। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता के बीच चल रहे इस महामुकाबले के 10वें मैच के अंदर, यानी आईपीएल के 10वें मुकाबले के अंदर जिस तरीके से एबी डिविलियर्स खेले हैं, मानना पड़ेगा उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की पारी को पूरी की पूरी तरह ढक लिया। ग्लेन मैक्सवेल के बाद आए एबी डिविलियर्स ने मात्र 33 गेंदों में 76 रन की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने भी उनका अच्छा साथ दिया था, जिसमें उन्होंने 49 बॉलों में 78 की पारी खेली थी। लेकिन एबी डिविलियर्स की पारी का तो जवाब नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जी हाँ दोस्तों, 204 का जो पूरा स्कोर खड़ा किया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, वो काफ़ी शानदार रहा। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह पहाड़ जैसा जो लक्ष्य होने वाला है, ये कैसे वो पूरा करेंगी ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। 34 बॉलों के अंदर 76 रन की इस पारी के अंदर एबी डिविलियर्स 223 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं। अगर कुछ 5-10 बॉलें और मिल जाती तो शायद उनकी सेंचुरी भी हो जाती। वैसे एबी डिविलियर्स हमेशा से ही टीम के लिए कुछ अच्छा और खास करते हुए नजर आते हैं। अब 3 मैचों की बात करें तो एक ही मैच ऐसा है जिसके अंदर वो जल्दी आउट हो गए, बाकी दोनों मैचों में उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण समय पर महत्वपूर्ण रन भी बनाए हैं। आंद्रे रसल के 2 ओवरों में ही 38 रन आ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, आंद्रे रसल को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आंद्रे रसल जो कि अपने पिछली बार जिन्हें पर्पल कैप भी मिली थी और जिन्होंने अपना अच्छा ओवर कराया था और 4 से 5 विकेटें उन्होंने निकाली थी, उन्हें भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। वहीं एबी डिविलियर्स की बैटिंग मानना पड़ेगा लाजवाब रही। दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर आपने मैच देखा है तो हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही साथ नहीं देखा तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम और भी ऐसी अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।